ईवीएम पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम को नहीं वाले पेपर पर चुनाव करवाना चाहिए, इससे क्या कहना चाहेंगे? अभी हमको मीटिंग करना हो तो हमको दरोगा की परमिशन लेना पड़ता है। तो क्या इसके पहले इसका परमिशन नहीं लेनी जरूरत? पहले तो हम लोग जहाँ चाहते थे मंच लगा देते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। कांग्रेस का शासन था तब भी रोक टोक नहीं थी। अभी तो ठीक है ना कि इसी अनुशासन बना रहेगा कि आपने परमिशन लिया तो उसमें जो है प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो उसके क्या इसके पहले कभी गरीबों के हक की बात हुई थी? इसके पहले गरीबों का हक बहुत दिनों से लड़ा जा रहा है, जब से आज़ादी है हुई तब से गरीबों का। लेकिन भाजपा के आने के बाद ही इंडिया पार्टी की इंडिया गठबंधन की आवश्यकता क्यों हुई? इंडिया गठबंधन की इसलिए होगी गरीबों का हक मारा जा रहा है। वही पहले भी मैंने पूछा, क्या इसके पहले गरीबों का हक नहीं मारा जाता? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है जिसकी गहमा गहमियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही है और आजमगढ़ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बातचीत करने के लिए है। चुनावी जो मुद्दे हैं वो किस तरह से बदल रहे हैं आज के समय में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसी पर हम लोग आज बात करेंगे यहीं पर। तो आप लोगों का स्वागत करते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? रामचंद्र यादव। यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो रहा है, वो क्या कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए दो लाइन में। ये शरद यादव की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ये शरद यादव समाजवादी नेता थे, समाजवादी पार्टी के? नहीं नहीं नहीं, समाजवादी विचारधारा के नेता। उनकी किसी पार्टी से वो भी है कि बस ऐसा ही इंडिविजुअल है? वो पार्टी तो उनकी दूसरी थी। अच्छा, कौन सी पार्टी थी? वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा, हाँ, लोकसभा में नेता कई बार रहे हैं, राज्यसभा में नेता रहे हैं। अभी जो चुनाव मतलब होने वाला 2024 चुनाव नजदीकी आ गया है, उसकी मतलब उसकी जो हलचल है बहुत तेजी से बढ़ रही है ना? कोई संबंध नहीं, इसका जयंती मनाई जा रही से चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चुनाव से संबंध नहीं है लेकिन कुछ तो असर पड़ रहा होगा ना, कि मतलब कि अगर आप किसी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं तो चाहेंगे ना कि जो हमारे नेता है, जो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, जो मुख्यमंत्री बनेंगे देश के हमारे, वो विचारधारा उनके में जाए। तो आप चुनाव आने वाला तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या नाम हुआ सर आपका? जुल्फिकार बेग। अभी जो चुनाव चल रहा है, चुनाव की गहमा गहमी तेज हो गई है, क्या कहना चाहेंगे उस पे? चुनाव जो चल रहा है इसमें हम लोग इंडिया पार्टी के साथ रहेंगे, इंडिया पार्टी जो उम्मीदवार आएगा हम लोग उसको जिताने का प्रयास करेंगे और उनसे कोशिश करेंगे कि वो सब लोग शरद यादव के रास्ते पर चले। जी, इंडिया पार्टी की बात कर रहे हैं तो एक चीज और भी है, पीडीए है, पिछड़ा दलित वर्ग, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये भी सारे लोग एक साथ होकर के वो पीडीए कोई पार्टी नहीं है, एक वर्ग है। पीडीए में तो कोई ये है कि किसी को हम बता लेंगे हमारे साथ वो फलाने, ऐसा नहीं है। ये इंडिया गठबंधन बन रहा है जिसमें देश की सारी पार्टियां जो वर्तमान सरकार से दुखी है, जो देश में संविधान का खत्म किया जा रहा है, गरीबों का हक मारा जा रहा है, उनके हक को बचाने के लिए सब लोग एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है सब लोग आ जाएंगे। क्या इसके पहले कभी गरीबों के हक की बात हुई थी? इसके पहले गरीबों का हक बहुत दिनों से लड़ा जा रहा है, जब से आज़ादी है हुई तब से गरीबों का। लेकिन भाजपा के आने के बाद ही इंडिया पार्टी की इंडिया गठबंधन की आवश्यकता क्यों हुई? इंडिया गठबंधन की इसलिए होगी गरीबों का हक मारा जा रहा है। वही पहले भी मैंने पूछा, क्या इसके पहले गरीबों का हक नहीं मारा जाता? पहले मिलता था, थोड़ा कम मिलता था। शरद जी की बात जो जिसकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, शरद जी 1974 से राजनीति में है और जो मेरिट की राजनीति होती है वसूलों की, उस पर वो चले। वो 77 की जो राजनीति सरकार बनी थी उसमें वह युवा जनता के ऑल इंडिया अध्यक्ष थे, सारे नौजवानों को लेके देश में आंदोलन किए। और जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आज ईमानदार नेता की आवश्यकता है। शरद यादव 40 साल एमपी थे, उनके पास अपना घर नहीं है और वह अपने बेटी बेटा को किसी को राजनीति में नहीं लाए और वह हमेशा काम करते थे। और जो इस देश की बड़ी आवश्यकता थी कि गरीबों को सत्ता में भागीदारी मिले, वह जब सरकार में आए बीपी सिंह के नेतृत्व में तो मंडल कमीशन को उन्होंने लागू करवाया और इससे इस देश के करोड़ों मजदूरों के बेटा को, गरीब के बेटे को नौकरी में हिस्सेदारी मिली। आज जो आपको नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोग मिल रहे हैं वह शरद यादव की देन है। जी, तो ये जो शरद यादव की देन है तो आरक्षण क्या उसमें काम नहीं करता है? क्या अभी के समय में, पहले के समय में आपने कहा कि शरद यादव की देन है जो पिछड़े वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, अभी के समय आरक्षण भी तो एक चीज है कि जिसमें आपके जो जितने आपकी ओबीसी है या फिर SC ST या फिर जनरल है, आपका आरक्षण भी मिलता है कि आप उनको उतना सीट आपकी निर्धारित होगी? SC ST को पहले मिल चुका है 22%। मिलता नहीं, उनको पहले मिला है।
बैकवर्ड क्लास को बीपी सिंह के नेतृत्व में मिला शरद यादव के कहने पर। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में सब मिल रहा है, लेकिन अभी जो ईमानदारी से लागू होना चाहिए वो लागू नहीं है। अभी केंद्र के जो बड़ी नौकरियां हैं उसमें 7% से ज्यादा न दलित है न बैकवर्ड है। तो योग्यता भी तो एक चीज होती है ना कि आपके में योग्यता है या नहीं, योग्यता जरूरी नहीं होती। योग्यता सिर्फ उन्हीं लोगों के पास नहीं है जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, इनके अंदर भी है, सारे लोगों के अंदर योग्यता है। और इसी पिछड़ी जातियों से निकले हुए मुलायम सिंह थे, लालू यादव थे, ये सारे लोग हैं, बहुत अच्छा काम किए। और दलित की बेटी मायावती निकली थी, वो बहुत अच्छा काम की है। तो ऐसा नहीं है कि दलित में नेता नहीं है। पहले दलित पढ़ाई नहीं करता था तो वो बेचारा गोबर फेंकता था, भाई चराता था। और जब वो सत्ता पढ़ाई में गया, जब उसको साधन मिला, तो आज वो देश की बड़ी कुर्सियों पर बैठा हुआ है। और आज जो अभी चर्चा चल रही है कि खड़गे हो सकता है कि इस देश के प्रधानमंत्री हो जाए, जो बहुत ही गरीब के बेटा थे, उनकी घर द्वार फूंक दिया गया था बचपन में। तो इस तरह से तमाम लोगों की हिस्सेदारी अब धीरे धीरे इस देश में मिल रही है। पहले गरीब का बेटा चारपाई नहीं बैठ सकता था, और आज सारे लोगों को चारपाई पे बैठने का हक मिला है, अपनी बात रखने का हक मिला है, और अब धीरे धीरे हिंदुस्तान बनाने की तरफ चल रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वह उनका हक लेना चाहती है, और वह अपने तरह का एक हमारे कहने में वो तानाशाही लाना चाहती है। आपकी आवाज़ बंद है, हमारी आवाज़, हम मीटिंग नहीं कर सकते। अभी हमको मीटिंग करना हो तो हमको दरोगा की परमिशन लेना पड़ता है। तो क्या इसके पहले इसका परमिशन नहीं लेनी जरूरत थी? नहीं, पहले तो हम लोग जहाँ चाहते थे मंच लगा देते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। कांग्रेस का शासन था तब भी रोक टोक नहीं थी। अभी तो ठीक है ना कि इसी अनुशासन बना रहेगा कि आपने परमिशन लिया तो उसमें जो है प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो उसकी नहीं, लड़ाई लड़ना जरूरी है। जैसे अभी कोई जाति हो तो उसके लिए लड़ाई लड़ना है, इसलिए कि इस देश में तमाम लोगों के साथ जाति होती है। अभी देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे में एक लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार हुआ, और आईआईटी की लड़की थी, ब्रिलियंट थी, और वो करने वाले कौन लोग थे? वो करने वाले सत्ता दल के लोग थे, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत हंगामे के बाद तब जाके गिरफ्तारी हुई है। तो आज बहुत सारी चीज़ें दबा दिए, और हम लोग चाहते हैं जो हम लोग की राजनीति, जो शरद जी की विचारधारा है कि उसमें स्वच्छंद होके सारे लोग घूमें, किसी के साथ कोई जाति न हो, कोई उनको मतलब टार्चर न करे, ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। आखिरी सवाल हमारा कि ईवीएम पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम को नहीं वाले पेपर पर चुनाव करवाना चाहिए, इससे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईवीएम के हम जानकार नहीं हैं, ये हमारे बड़े नेता हैं, जो बड़े लोग हैं वो लोग इस पर विचार करेंगे, हम इस पर नहीं बात करेंगे। क्या लगता है कि ईवीएम को होना चाहिए कि वैलिड होना चाहिए? हम इस पर नहीं बात करेंगे, इसलिए ईवीएम के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमको एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो इस देश से वास्तविक लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लोकतंत्र के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कि गरीबों को सिर्फ एक ही हक अभी मिला है, वोट देने का। और आज सब कुछ जो मिल रहा है ये हम लोगों के दबाव में, हमारे जैसे नेताओं के दबाव में ही मिल रहा है। जो आज महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है नौकरी में, यह बहुत खुशी की बात है। ये हम लोग बहुत पहले कहते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बहुत पहले कहे थे कि 100 में पिछड़े पाँव 60, जिसमें महिलाओं को भी पिछड़ा माना गया था। महिला में किसी जात धर्म की नहीं थी, सारी महिला पिछड़ी हुई थी। और आज महिलाओं को आप देख रहे हैं कि हवाई जहाज चढ़ा रही हैं, तेल चढ़ा रही हैं, देश चला रही हैं। आपके अंदर भी वो क्षमता है, इनके अंदर भी वो क्षमता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं सबको सबका हक मिले। और हम लोग उसी रास्ते पर चल के जो आज पुण्यतिथि मना रहे हैं, इसमें शायद 2-4 लोग शरद जी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। तो ये